बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉलर रेट और रियाल रेट के मुतालिक बात कर लेंगे जी, और मैं एक वीडियो आपके साथ और शेयर कर दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या रेट है रियाल का। अभी मैं बाज़ार से रियाल चेंज करवाए हैं, कितने चेंज करवाए हैं, कितने बने, पाकिस्तान में रेट क्या है, ये आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप किसी बैंकिंग वगैरह से भेजते हैं, यानी कि जैसा कि आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, अगर डॉलर रेट के मुतालिक बात करें तो यहाँ पर आप देख रखे होंगे 184 रुपये 41 पैसे हो चुका है, और ये भाई एक्सचेंज रेट है, करंट रेट है, ठीक है। अभी स्टेट बैंक की तरफ से अगर बात करें तो वो 2-3 दिन हो गए डॉलर का रेट ही शेयर नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं शायद इस वजह से डॉलर भाई छलांगे लगाता जा रहा है ऊपर। अगर हम रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो मैं आपको पहले तो एक्सचेंज रेट बता दूं, करंट रेट एक्सचेंज रेट 49.36 हो चुका है जी इस वक्त का रेट, लेकिन मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर आपको बताऊंगा मैं, फौरी बैंक बैंक अल जजीरा की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 48.21 रुपये इनका रेट मिलेगा, और दसरेल इनकी फीस होगी। एस टी सी पे की बात करेंगे अगर तो 48.42 रुपये इनका रेट है, और 17.25 रियाल इनकी फीस होगी। अगर तहवील राज्य की बात करें तो इनका 48.10 रुपये रेट हो चुका है, फिर भी अच्छी बात है अगर इनका भी रेट अगर चलो बढ़ा है तो, फीस इनकी 10 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 48.56 रुपये रेट हो चुका है, और सबसे ज़्यादा इसी का मुझे लगा वेस्टर्न यूनियन का 48.56 रुपये, और इसमें आपको भाई 23 रियाल फीस होगी इनकी। अगर टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो इनका रेट 47.25 रुपये है, इनका रेट अभी तक भी डाउन जा रहा है, तो ये 15-12 रियाल इनकी फीस है। ये मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से फीस के साथ मैंने आपको रेट से कन्फर्म कर दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह जैसे ही रेट बढ़ेगा फिर आपके साथ शेयर करूँगा।